हेलो यूट्यूब, इट्स योर बॉय गेमिंग फनकार द यूट्यूब चैनल। सो नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, गेमिंग अच्छी चल रही होगी। तो यार बात करेंगे आज नए नए टॉपिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो गेमिंग फनकार को, और मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें मैं तीनों चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो जो हमारी तीनों चीज़ें हैं। नंबर वन पे आ रही है बैंक फ्लैश बैंक, जो कि नई स्किन होगी हमारे ग्रेनेड की। और साथ साथ मैं बताता चलूं कि यार ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब गुजारा हो जाएगा, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। साथ इसमें ये है कि यार आपको एक नई स्किन मिल जाती है। मेरे हिसाब से जो पहले स्किन आई थी, एक तो कंट्रोलर वाली स्किन आई थी ब्लैक रंग की जो थी, उसके बाद जो वाइट रंग की स्किन आई थी जो ईस्टर इवेंट पर आई थी, यार वो उसके मुकाबले जो पुरानी वाली थी ना बटन वाली, वो ज़्यादा अच्छी थी, जो मतलब कंट्रोलर वाली थी। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो है काफ़ी हद तक अच्छी है। तो यार मैं यही चाहूँगा कि आप ये वाली जो है परचेज़ करें। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में, और जो दूसरी चीज़ है उसका नाम है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड दोबारा से आया है, वापस आया है। दोबारा से मुराद ये कि एक दफ़ा था कि यार ये आ रहा है आएगा, और मतलब काफ़ी सारी वीडियोस भी, रूमर्स भी फैल रहे थे कि यार ये चल पड़ा, ये ठीक हो गया। तो यार ये बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आएगा, मींस ये कि अभी इसको ट्रेनिंग सीज़न में, मींस ट्रेनिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे, एकदम से इसको यूज़ नहीं करने वाले ये लोग। ट्रेनिंग में ऐसे इस्तेमाल करेंगे इसको कि कह सकते हो कि इसको अभी आज से, मतलब 29 से लेकर 3 मई तक इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद ये इसको ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद दोबारा इसको लेकर आएंगे तकरीबन नेक्स्ट मंथ में, जून में इसको दोबारा से रिलीज़ करेंगे किसी छोटे इवेंट के लिए, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग मोड के लिए इन्होंने गेम के अंदर उतारा है। तो यार उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हमारे थर्ड आइटम आ रही है M4A1 की, जो नई स्किन आ रही है पिंक वाली, जो हाँ ये वाली स्किन आ रही है। तो यार कार्निवल M4A1 भी बहुत अच्छी गई है, बहुत ज़बरदस्त सीज़न गया है। जो अभी नई गन आई है यार, ये भी बहुत आला है, मतलब कि कह सकते हैं कि यार अच्छी गन है, पसंद की जा सकती है, इसको ख़रीद सकते हैं आप सब आसानी। बआसानी तो खैर नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि ये गन रॉयल में आ रहा है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो यार ध्यान से चांस, क्योंकि ये भी किस्मत वालों को मिलेगी, और उसमें भी जो है इसमें चांस है कि ये 3 घंटों के लिए होगी, या सॉरी 3 दिन के लिए होगी, या 15 दिन के लिए होगी, इस तरह अप टू 100 सिस्टम होगा सारा इसका। तो यार उस लिहाज से होगी ये, बाकी आप देख लो आपने गन का क्या करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट बिग इवेंट आ रहा है हमारा, जो हमारा नया कॉस्ट्यूम आ रहा है फायर ब्रिगेड वाला कॉस्ट्यूम, यार ये बआसानी मिल जाएगा इसमें, मतलब इसमें कम से कम टेंशन नहीं होने वाली आपको, क्योंकि यार ये गोल्ड रॉयल में आएगा। गोल्ड रॉयल की जो आइटम होती है ये यही होता है कि यार जिनने कॉइन्स गोल्ड इकट्ठा किया होता है उनके लिए भी मुश्किल नहीं होती, और उसके बाद जो गोल्ड वाउचर्स मिलते रहते हैं उसमें भी बड़ा ये करामत होता है। मतलब ये कि डायमंड रॉयल से बआसानी गोल्ड रॉयल में चीज़ निकल आती है। तो यार लास्ट में ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि यार इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ऊपर लेकर आओ, इसमें मेरी गेम तो देख ही रहे होगे यार। उसके बाद यही है कि बस गेम में मस्त रहो, और दुनियादारी भी देखो, मींस ये नहीं है कि बस गेम ही खेलते रहो, आगे पीछे भी ख्याल करो अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, और बाकी ठोक के रखो दुनिया की, और क्या है, सारा कुछ यहीं पर रह जाना। तो एट दी एंड लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ यार मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है अपना कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए, रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो अन करीब जो है वो भी आ जाएगा। डेट्स मुझे ये बताई गई हैं कि तकरीबन जो है मई के अंदर इसकी जो है डेट्स मिल, मई नहीं सॉरी सेप्टेम्बर के अंदर जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो है वो पाकिस्तान में, या मीन्स इंडिया में लॉन्च होगी और उसके साथ ही पाकिस्तान में आ जाएगी। तो यार ये थोड़ा सा लंबा अरसा है, लेकिन उससे पहले पहले यही है कि यार तब तक फ्री फायर ही खेलो, और जिसने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली भी है तो वो सब मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ यार हमने कॉल ऑफ ड्यूटी का कौन कौन सा पार्ट खेला, 4th पार्ट 5th पार्ट जो जौन सा पार्ट खेला है वो सब बताओ यार। ओके एट द एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।